अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लॉन ऑफ फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आज की हमारी रेसिपी है गोला कबाब, ठीक है, जो कि मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊँगी, बहुत ईजी वे में बताऊँगी, जो कि आप आसानी से बना लेंगे और आपकी कबाब जूसी बनेंगे और टेस्टी होंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने कीमा ले लिया है 1 kg के इक्वल बारीक कीमा ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया है ज़ीरा 1/2 tablespoon, सूखा धनिया इसका पाउडर मैंने ले लिया है, बारीक नहीं लिया, थोड़ा सा मोटा लिया है, ठीक है। इसका ले लिया है मैंने 1 tablespoon, ग्रीन चिली पेस्ट ले लिया है 1 tablespoon, रेड चिली ले लिया है मैंने, धड़ा मिर्चें 1 tablespoon। उसके बाद मैंने ये बाइंडिंग एजेंट है बेसन, बेसन की जगह आप लोग कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बेसन लिया है 1/2 cup के इक्वल, ठीक है। और साल्ट लिया है मैंने 1 tablespoon। सबसे पहले मैं डाल दूँगी सूखा धनिया, ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है मैंने 1 tablespoon, धड़ा मिर्ची लिया है मैंने 1 tablespoon, ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 tablespoon, साल्ट ले रही हूँ मैं 1 tablespoon, लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ मैं 1 tablespoon के करीब, रेड चिली पाउडर ले रही हूँ मैं 1/2 tablespoon। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, दही मैंने ले लिया है 1/2 cup के इक्वल, इससे आपके कबाब जूसी बनेंगे और टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। के इक्वल लिया है, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने ले लिया है 1/2 cup के इक्वल और इसको मैंने बारीक पीस लिया है, ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया। ये देखिए मैं 1/2 cup के इक्वल, और अब साथ इसमें मैं डाल दूँगी बेसन, ठीक है, बेसन मैंने लिया था 1/2 cup के इक्वल, ठीक है। इससे आपके कबाब जुड़ जाएंगे, ये हमारा बाइंडिंग एजेंट होता है। कुछ लोगों के कबाब टूट जाते हैं फ्राई करने में, इसलिए बेसन से आपके कबाब टूटेंगे नहीं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शान का कबाब मसाला, ठीक है, 2 tablespoon के इक्वल, ठीक है, 2 tablespoon इसमें मैंने डाल दिया है शान का गोला कबाब मसाला, ये आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 tablespoon नमक और डाल दूंगी, और साथ ही इसमें मैं सिरका डाल दूंगी 1 tablespoon के करीब, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon ऑयल, ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे 30 minutes के लिए, 30 minutes के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से टेस्ट आ जाए, ठीक है, सारे कीमे में। चलिए अब इसको हम रख देते हैं, 30 minutes हो चुके हैं और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है कीमे में। अब इसका हम कबाब बना लेते हैं।